हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आरआरबी एनटीपीसी के टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं खुद भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने घर में लैपटॉप के साथ, और अलग से कीबोर्ड है उसमें। और साथ में मैंने आज एक नया काम किया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब हॉल में एग्ज़ाम होता है, टाइपिंग होती है, तो 400-500 करीब करीब बच्चे होते हैं, और एक साथ जब सब टाइपिंग करते हैं तो जो खटखट खट की आवाज़ आती है उसमें बहुत ही प्रेशर होता है, और वहाँ बहुत सारी गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आज मैंने क्या किया है कि यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे वीडियोस बने हैं जिसमें आवाज वो यहां पर आ रही है, मतलब उस टाइप की वीडियो बनी है कि 10 से 15 मिनट का साउंड जो है, टाइपिंग साउंड वहां पर हुआ है, तो उसको आप ईयरफोन लगाकर उसको सुनते हुए खटखट खटखट की टाइपिंग, उसके साथ अगर आप टाइपिंग करते हैं तो वो एक अलग, लगभग लगभग, या पूरा पूरा तो नहीं लेकिन कम से कम ज्यादातर फील दे देता है कि आप एग्जाम हॉल में ही बैठकर टाइपिंग कर रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा, जैसे ही मैं साउंड सुन रहा था तो उसमें काफी सारी थोड़ी थोड़ी एक्यूरेसी मेरी कम हो रही थी, यानी कि गलतियां देखी जा रही थी। तो चलिए दिखाता हूं कि अब मेरी टाइपिंग स्पीड कितनी आई है और मैं यहां टाइपिंग कैसे करता हूं, कैसे है मेरा सेटअप, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी टाइपिंग अभी अभी मैंने की है। मैं टाइपिंग करता हूँ सोनी टाइपिंग ट्यूटर से, आरआरबी एनटीपीसी का फॉन्ट सेलेक्ट करके, ये साइड में आपको दिख रहा होगा। तो अभी अभी मैंने जो टाइपिंग की है, जो कि पूरा फॉर्मूला जो कि एनटीपीसी में मांगा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आप लोग ये देख सकते हैं कि वन वर्ड और 5 कैरेक्टर या फिर की स्ट्रोक जो भी बोलते हैं इसको, तो इसमें आया। तो इसमें मेरी जो अभी नेट स्पीड आई है वो 44 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर स्पीड आई है, ठीक है। ग्रॉस स्पीड 44 वर्ड भी पर मिनट है, इसलिए है क्योंकि मैंने इतनी मिस्टेक नहीं की हुई है, जो 5% माफ है उसको मिलाकर ही ये दिखाया जा रहा है, इसलिए नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड सेम है। यहाँ पर अब बात करें अगर, तो मैंने टोटल की स्ट्रोक कितने प्रेस किए, तो ये देखिए जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि 2220 यहाँ पर की स्ट्रोक जो है तो वो प्रेस हुए हैं, ठीक है। अब इसका डिवाइडेड बाय 5 करेंगे अगर आप, तो 444 वर्ड पर यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि 10 मिनट में है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम 5% को यहाँ पर हटा देते हैं जो छूट यहाँ पर है, तो उसके अलावा जो देखिए मिस्टेक, नेट मिस्टेक, टोटल मिस्टेक जो मैंने की हुए 16.5 है, वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ 25 हाफ मिस्टेक है, लेकिन आप लोग को पता है इस समय सुनने में आ रहा है कि हाफ मिस्टेक को भी फुल मिस्टेक में काउंट करेंगे, यानी हाफ मिस्टेक का कोई वो नहीं रहेगा, ओनली मिस्टेक सिर्फ काउंट होगा। तो चलिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि 25 और 4 29, टोटल 29 मिस्टेक हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि करते हैं, ठीक है। इग्नोरेबल मिस्टेक कितनी है, 22 है, 22, ठीक है। अब मान लीजिए कि हाफ मिस्टेक अगर वहाँ नहीं भी रहता है, फुल मिस्टेक रहता है, तो 25 और 4 29, टोटल 29 मिस्टेक, और 22 जो है वो इग्नोरेबल मिस्टेक है, यानी 22 मिस्टेक आपकी माफ रहेगी, तो बचता कितना है, 7 मिस्टेक। अब मान लीजिए 7 × 10, तो यानी 70 वर्ड जो है यहाँ से घटाए जाएंगे, ठीक है। तो 444 में से अगर आप 70 वर्ड यहाँ पर घटा देते हैं तो लगभग कितना बचेगा, तो लगभग लगभग यहाँ पर बचेगा आपका, ये हो जाएगा 26, यानी 374 वर्ड टोटल आपके यहाँ पर बचेंगे वो घटाने के बाद। 374 को आप 10 के साथ करेंगे तो वही अराउंड 37 की स्पीड यहाँ पर निकल जाएगी, यानी कि आप यहाँ पर क्वालिफाई हो जाओगे। तो इसीलिए टाइपिंग का जो स्ट्रोक्स है और स्पीड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करिए, तभी ये यहाँ पर हो पाएगा। जैसे कि देखिए मैंने 2220 की स्ट्रोक यहाँ पर मारी है, और 2250 अगर की स्ट्रोक वहाँ पर देता है मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम तो 1500 की स्ट्रोक देगा ही, मैक्सिमम कितना देता है इस पर डिपेंड करता है, अगर 2200 या 2250 के करीब दे देगा तो फिर ईजिली यहाँ पर टाइपिंग यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी यहाँ पर देख सकते हैं, और अगर मैं इसको स्क्रॉल कर दूँ तो ये नीचे ये देखिए यहाँ रेड में है कुछ, ये देखिए जैसे यहाँ रेड में ब्लिंक हो रहा है जो कि टोटल फुल मिस्टेक है, और ब्लू जो है वो हाफ मिस्टेक में काउंट हो रहा है, लेकिन वही अभी सुनने में आ रहा है कि हाफ मिस्टेक यहाँ पर यह नहीं रहेगा, ओनली मिस्टेक रहेगा, यानी कि फुल मिस्टेक जो रहेगा बस वही होगा। तो अब देखते हैं जो भी होगा, नोटिस फाइनल आ जाए जब इसका तो ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, पर अगर हम देखें तो प्रैक्टिस हमको ऐसे ही करनी है। सोनी टाइपिंग ट्यूटर पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है।
और जैसे कि मैंने बताया, आज से मैं वो जो टाइपिंग का साउंड जो कि एग्ज़ाम हॉल में होता है उसको ईयरफोन में सुनते हुए टाइप करता हूँ, तो वो सेम लगभग लगभग वही एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल जाता है। एक काम और कर सकते हैं आप कि आप अपने घर में किसी को भी बोल सकते हैं कि जब मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो सडनली आ जाया करो, मेरे पीछे खड़े हो जाया करो, कोई आपका भाई हो बहन हो तो आप बोल सकते हो। उससे क्या होता है कि ऐसे जब साइड में कोई खड़ा हो जाता है तो आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, जैसे एग्ज़ाम हॉल में भी होगा, इन्विजिलेटर रहेंगे या तो बगल में बैठा हुआ मान लीजिए वो थोड़ा सा इधर करेगा या पानी पिएगा तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस दिखेगा, तो वो जो है तो आप पहले से ही यूज्ड टू हो जाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। इसलिए अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लगभग लगभग ओनली 15 दिन का समय यहाँ पर बचा हुआ है, 15 दिन में अच्छी टाइपिंग कर जाइए और जॉब ले जाइए। तो चलिए दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।